आप सभी का स्वागत है। जल्दी से बताइए आप सभी कैसे हैं। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मेरा नाम है राजू यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। मैं आगरा मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संगठन का, और कहीं ना कहीं आज हम एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के आए हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि इस बार इंडिया अलायंस ने देश में बेहतरीन प्रदर्शन किया। आप सभी जानते हैं कि देश के प्रधान सेवक महामानव नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं चुनाव के समय में बड़ी तेजी के साथ अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स का उद्घाटन कर दिया। स्वतंत्र देश में ये पहली बार हुआ था साथियों कि जब कोई अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ हो, और ये हमारे देश के लिए बेहद दुख की बात है। साथियों, आज देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया, साथियों हमें अभी भी याद है मार्च की वो डेट जब मोदी जी ने वाहवाही लूटी, दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभावित भी किया और दिल्ली में सातों सीटें भी जीतीं। लेकिन साथियों, बहुत ही दुख की बात है, दोनों के दोनों, जबलपुर और दिल्ली। साथियों, आप सभी के सामने मैं अपने रिकॉर्ड रखूंगा, कहीं ना कहीं किस तरह से साथियों 28 जून को दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल ब्लॉक फर्स्ट, साथियों जो नया बिल्डिंग बनाया गया था, नया टर्मिनल बनाया गया था, न्यूज चैनल्स पर जहां पर वाहवाही दिखाने का काम गोदी मीडिया ने किया, आज कहीं ना कहीं देश के सामने ये आ ही गया है कि ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का टर्मिनल की छत गिर गई। साथियों, छत गिरने से साथियों काफ़ी लोगों ने अपना जीवन खो दिया, बड़ी संख्या में लोग साथियों कहीं ना कहीं घायल हुए हैं। 28 तारीख से एक दिन पहले साथियों जबलपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल की छत भी गिरी। साथियों, जबलपुर और दिल्ली दोनों ही एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था मार्च के महीने में। साथियों, क्या मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? क्या देश के सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री पद से मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए? ढेर सारे प्रश्न आज देश की मीडिया में उठ रहे हैं। साथियों, गोदी मीडिया से ये खबरें क्यों गायब हो जाती हैं? गोदी मीडिया इस तरह की खबरों को क्यों नहीं रिकॉर्ड करता है? क्योंकि साथियों, कहीं ना कहीं गोदी मीडिया मोदी जी की भक्ति करता है। साथियों, चूंकि अगर हम बहुत सारे न्यूज़ चैनल की बात करें जो अडानी और अंबानी के हैं, तो इन्हें TRP के लिए मेहनत नहीं करनी, इनके जो मालिक हैं वो ऑलरेडी बहुत बड़े रिच हैं। साथियों, ये चुनाव इस बार कहीं ना कहीं गोदी मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया हुआ था, और मोदी बिल्कुल चाहेंगे कि देश की सोशल मीडिया की आवाज़ को दबाया जाए, देश से सोशल मीडिया को ख़त्म किया जाए। साथियों, आप देख लीजिएगा, अगर ऐसा हुआ तो ये लोकतंत्र की हत्या ही है, और इसके पूरे आसार हैं कि हो सकता है ऐसा बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आए। साथियों, एक सिंगौल करके जो है संसद में बड़ी चर्चा का विषय है, जो राजशाही का सबूत है और संसद में उसे रखा गया है, संसद में राष्ट्रपति जी उसके अपने साथ लेके आए हैं। मैं आपसे इस पर प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या राजशाही सही है?
क्या सच में ये सिंबल जैसे चिन्ह अब देश के लिए हैं। साथियों, ये सावरकर की मानसिकता वाले लोग तरह तरह के नए नए रिसर्च करते रहते हैं। ये सावरकर की मानसिकता वाले लोग, इन्होंने देश को हमेशा धोखा देने का काम किया है। साथियों, मोदी जी पर भ्रष्टाचार के आरोप अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन मोदी जी पर आज तक ईडी और सीबीआई की जांच नहीं होती। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी पार्टी से मैं अध्यक्ष हूं, मैनपुरी के किसान प्रकोष्ठ का, उनकी पार्टी पर अक्सर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। शराब घोटाले में आरोप लगते रहते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, ये तथाकथित शराब घोटाला है। साथियों, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और बिहार में पिछले 10 दिनों में 4 बड़े बड़े पुल, सैकड़ों करोड़ रुपया जिन पे खर्च हुआ था। जो लोग कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं उन्हीं लोगों से प्रश्न पूछता हूं, क्या यही अच्छे दिन हैं? भारत के टैक्स से बने हुए पुल, भारत के टैक्स से बने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स अगर इस तरह से कोलैप्स होंगे तो इसके लिए तो कौन जिम्मेदार है? साथियों, सीधा सा यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, देश की मोदी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी सरकार ने ही इसके उद्घाटन किए हैं। पुल का बनना और उद्घाटन से पहले गिर जाना, आप समझ सकते हैं साथियों कि पुल के निर्माण में किस तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया होगा। सीमेंट की जगह रेता का प्रयोग किया गया होगा। हजारों करोड़ रुपए कहीं ना कहीं इनके नेताओं ने इस तरह से कमाए होंगे। साथियों, आज अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा को फ्री करने का काम किया, माताओं बहनों के लिए रोडवेज फ्री देने का काम किया, एक सपने जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि हम एक सपना देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये सपने में हो रहा है, लेकिन साथियों सपने में नहीं हो रहा है। पंजाब में जहां हमारी सरकार है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है साथियों, पंजाब में भी हमने बिजली फ्री करी है। साथियों, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और बिजली फ्री करी गई है। साथियों, पंजाब के लोग भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार में नए और अच्छे स्कूल बनेंगे, पानी की सुविधा की जाएगी, लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा की जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा की जाएगी, और गरीब माताओं बहनों को तीर्थ यात्रा के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। साथियों, आज एक अच्छी खबर भी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जमानत मिल गई है। हेमंत सोरेन जी का फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया गया था। साथियों, संसद सत्र के पहले ही दिन जब विपक्षी नेताओं ने देश के 34 लाख नीट विद्यार्थियों के मुद्दे को उठाया, तो देश का तानाशाह, महामानव, उसकी पार्टी के ओम बिरला ने कहीं ना कहीं साथियों राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया। साथियों, ये एनडीए सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, ये देश से विपक्ष को समाप्त करना चाहती है, सिंगल पार्टी का रूल लाना चाहती है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या देश में जो ये एनडीए की सरकार कर रही है सही है? क्या इन्हें भविष्य से नहीं डरना चाहिए? कहीं ना कहीं साथियों, आज ईडी और सीबीआई की दम पर विपक्ष को जो डराया जा रहा है,
आने वाले समय में जो जनता देख रही है कि भाजपा के बनाए हुए सभी इंफ्रास्ट्रक्चर ढह रहे हैं, बारिश में पानी पानी हो रहे हैं, तो क्या देश की जनता इन्हें वोट देगी? इसका आंसर है, नहीं वोट देगी। साथियों, उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं सोचा था कि 80 में से 80 सीट जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बुरी तरह से हार होगी, और ऐसे हुआ। साथियों, हर राज्य में, हर ज़िले में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। साथियों, इन्होंने चंदा दो धंधा लो का कार्यक्रम किया। इन्होंने बहुत सारी कंपनियों से चंदा लिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर। हर एक कंपनी ने जिसने चंदा दिया, साथियों, इन्होंने महंगाई बढ़ाने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं, साथियों, बहुत सारे कार्य किए हैं। आप सभी को पता है कि आज जो मोबाइल रिचार्ज आपके होते हैं उन्हें 21% तक महंगा कर दिया गया है। ये जो मोबाइल रिचार्ज महंगे हुए हैं, इन सभी कंपनियों ने चंदा दो धंधा दो कार्यक्रम को माना है। साथियों, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा का एक विधायक जिसका नाम बेदी राम है, बेदी राम पहले से ही बहुत सारे पेपर लीक मामले में इनके ऊपर केस चल रहे हैं, और एक नया नाम आया है कि इन्होंने नीट के पेपर कहीं ना कहीं लीक करने का काम किया है। साथियों, हमने ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सुना। एक राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा खुले मंच पर बोल रहा था कि तुम फार्म भर देना, और फार्म भरने के बाद जो कॉल लेटर आएगा वो हमें दे देना, आपकी नौकरी पक्की समझो। तो कहीं ना कहीं, साथियों, हम चाहते हैं कि राम, ये राजभर जो है सुभाषपा का अध्यक्ष, इसे गिरफ्तार करे, इस पर सीबीआई और ईडी की जांच हो। प्रचार करने के लिए जब भी हम गांव क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि गांव में लोगों के पास पैसा नहीं है, किसानों के पास पैसा नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा बेतहाशा बढ़ गई है, और महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों ने अपनी जॉब्स खो दिए हैं। कोरोना के समय में लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, देश से हजारों कंपनियां बंद हो गईं, और उत्तर प्रदेश में महंगाई इस कदर बढ़ गई है, साथियों, कि हरिद्वार की एक महिला जिसका पति मर चुका था, साथियों, उसके पास दो बच्चियां थीं और उसने अपनी दोनों बच्चियों को नदी में गिरा दिया, क्योंकि उसके पास जीवन यापन करने का पैसा नहीं था और वो बच्चे उससे खाना मांगते थे। वो बच्चे कहते थे, माँ मुझे खाना दे दे, मैया मुझे भोजन दे दे, और ये उस 1980 की तरह है। साथियों, 1980 में जब सूखा पड़ी थी हमारे देश में,
तब भी ऐसी ही समस्या आई थी। हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे माताओं बहनों से कहते थे, माँ मुझे भोजन दे दे, मैया मुझे भोजन दे दे। साथियों, एक गरीब किसान की आवाज़, एक गरीब भारतीय की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी को सुननी चाहिए। आज जहां लोगों की हत्या हुई है, आज जहां देश के लोग मरे हैं, उनके घर पर जो स्थितियां खराब हुई हैं, मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि आपको प्रत्येक व्यक्ति जो जान से गया है, एक एक करोड़ रुपए, और उनके घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दें। साथ ही साथ जो घायल हुए हैं, उन्हें 50-50 लाख रुपए दे सरकार। क्योंकि साथियों, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, और ये छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के लिए उन्हें याद करते हुए रो रहे होंगे। हरिद्वार में एक माँ अपने बच्चों को इसलिए मार देती है कि उनके पास पैसे नहीं थे। साथियों, क्षमा चाहेंगे, औरैया की है ये घटना जो मैं हरिद्वार की बता रहा था। हरिद्वार की दूसरी घटना है, हरिद्वार की घटना है 13 वर्षीय बच्ची की। 13 वर्षीय बच्ची जिसे कहीं ना कहीं कुछ लोग उसके साथ गलत करते हैं। साथियों, मैं नाम आपको बोल दे रहा हूँ, हमारे पास कटिंग है और उसी की मैं आपको जो है जानकारी पढ़ के बता रहा हूँ कि हरिद्वार में 13 वर्षीय बच्ची की गैंग रेप के बाद हत्या। बीजेपी नेता का भाई सहित 6 आरोपी गिरफ्तार। 23 जून को बर्थडे के बहाने ले गए थे, बियर पिलाकर सुनसान जगह पर उसके साथ गलत किया गया, उसके साथ रेप किया गया, जिसमें नितिन, निखिल पांचाल, तुषार, मौसम इन सब ने गैंग रेप किया। और गैंग रेप करने के बाद, गैंग रेप की शिकार लड़की बीजेपी नेता अमित सेन के पास पहुंची और उसने भी आबरू लूटी, और रात में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने एक वाहन के आगे उसे धक्का देकर मार डाला। साथियों, अमित का चचेरा भाई बीजेपी में एक लीडर है जिसका नाम है आदित्य राज सैनी, और आदित्य राज सैनी ने परिजनों को गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस आदित्य राज सैनी को पार्टी से निकाल दिया है। तो आप देखेंगे और ये पाएंगे कि सारे के सारे गलत काम, सारे के सारे बच्चियों के साथ जो काम होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ ही आंखों होते हैं। साथियों, आपने देखा कि प्रज्वल रिवन्ना ने किस तरह से 500 से अधिक महिलाओं की आबरू पर हाथ डाला, और आबरू पर हाथ डालने के बाद मेरे देश के साथियों, हमें ऐसा लगता है ये माताओं बहनों को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। ये भाजपाई माताओं बहनों को ऑब्जेक्ट समझते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में इनके ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने रेप किए, उन्हें फांसी नहीं हुई। साथियों, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मांग करती है कि इन्हें फांसी देनी चाहिए, फांसी हो इनको और इनके प्रति कड़ी कार्रवाई हो। साथियों, खुलेआम जो
उत्तर प्रदेश में दो पक्षों के प्रति गोलीबाजी हुई थी, योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही पक्षों के लोगों के घर तोड़ दिए हैं। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये न्यायालय के द्वारा होता, कोर्ट के द्वारा होता, तो कितना अच्छा रहता। साथियों, कोर्ट अपनी विश्वसनीयता धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है, कोर्ट की विश्वसनीयता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, हमारे देश के लिए बहुत ही दुख की बात है। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आप हमारे अपने हैं, आप हमारे भाई बंधु हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। ये किसान नेता राजू, ये आपका ही बेटा, आपका ही भाई है, और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। जय जवान जय किसान, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद।